गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ डे वन क्लास आपकी इंग्लिश की। ठीक है, देखिए आपको इंग्लिश में नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 86, अपनी बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 86 करना है आपको। सो देखिए, कुछ बच्चे क्लास में आए थे तभी मैंने ये करवाया था, बट कुछ बच्चे एबसेंट्स थे तो उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ ये वाला टॉपिक। अब मैं आपको इंग्लिश में टॉपिक वाइज करवाऊँगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर चैप्टर इन सब से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ जो मैं टॉपिक्स करवाती जा रही हूँ उसी से रखना है, बिकॉज क्योंकि आपको हर एक टॉपिक जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, सो देखिए ये आपको बुक के अंदर ही करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोज़ में कि आपको जो कॉपी में करना रहेगा वो मैं खुद आपको कॉपी में करके बताऊँगी, और जो बुक में रहेगा वो ऑलरेडी मैं आपको बुक पर करके बताऊँगी। ठीक है, सो ये आपको बुक में करना है। देखिए आपको वर्ड ओलंपियड है, मेक एज मेनी न्यू वर्ड्स एज यू कैन बाय टैकिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड्स। आपको कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं जो आपको यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं उसमें से लेकर। ठीक है, सो देखिए मदर, MOTHER, मदर, इस मदर से ही यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स बने हैं। टू THE, MORE, MOTH, मोथ, OTHER, अदर, और HER, हर। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे किस में से लिए गए हैं, मदर में से। ठीक है, और मदर में से लेकर यहाँ पर न्यू हमने वर्ड्स बनाए। ठीक है, नेक्स्ट है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड में से भी आपको क्या करना है, न्यू वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर डिसअपॉइंटेड है तो हम आई एन इन बना देंगे। ठीक है, और जो वर्ड्स हम बनाने हैं सो वो हम क्या कर सकते हैं कि आप उल्टे सीधे भी ले सकते हैं, मीन्स कि आगे पीछे भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डी आई एस ई लेना है या फिर पी ओ आई एन टी पॉइंट ही लेना है, मीन्स कि आप एम ई, ठीक है, एन टी मेंट है, तो आप ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कंटिन्यूसली बनाना है, आप आगे पीछे भी वर्ड कर सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे कि एन एन ले लिया, इसमें से आपने यहाँ से ओ ले लिया और यहाँ से टी, तो एन ओ टी नोट बन गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो हमने डिसअपॉइंटेंट का क्या बनाया, इन सी टैन पोर्ट सैड एंड नीट। ठीक है, पैरिंग, पैरिंग में से हमने क्या बनाया, एयर रिंग पैर इन एन और पैन। बिहेवियर, बिहेवियर में से क्या लिया हमने, हैव अवर बी एयर रब। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बनाए वही आप बनाएं, आपको अगर इसमें से लग रहा है कि आप न्यू वर्ड्स कुछ बना सकते हैं और, ठीक है, इन्हीं वर्ड्स में से लेकर सो आप बना सकते हैं। ठीक है, सो ये ब्रेकफास्ट एंड चॉकलेट, इसी तरह आपको ये यहाँ पर न्यू वर्ड्स बनाने हैं और ये कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये डे वन का वीडियो था, ये आपका अपनी बुक में ही रहेगा। ठीक है, और फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।